टीवी की फेमस एक्ट्रेस देबीना मोनर्जी हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं। गुरमीत चौधरी भी अपनी जिंदगी में फिर से पिता बनकर काफी खुश हैं। देबीना हर बार अपने व्लॉग में परिवार और बच्चों के बारे में बात करती रहती हैं, लेकिन इस बार देबीना ने ये बताया कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत खराब चल रही है, ये बताते हुए एक्ट्रेस रोने लगती हैं। देबीना इस ब्लॉग में बताती हैं कि कैसे उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई, वो इसे लेकर काफी परेशान हैं। देबीना के लिए ये सबसे मुश्किल समय है, वो अपनी बच्ची को इस तरह तकलीफ में नहीं देख पा रही हैं। देबीना ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया कि जितनी अच्छी चीजें मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ उतनी होती नहीं है। आप सभी को पता है कि मेरी छोटी बेटी वो थोड़े दिन पहले पैदा हुई थी, थोड़ी कमजोर भी है। देबीना बेटी की तबीयत को लेकर बताती हैं कि रविवार को अचानक वो चोक करने लगी, मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही थी। इसके बाद मैं और गुरमीत उसे लेकर तुरंत अस्पताल भागने लगे। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी नाक ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। देबीना ने बताया कि मेरी बेटी का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 92 हो गया है। हम दोनों को ही पता है कि कैसे हमने घर से लेकर अस्पताल तक का सफर पूरा किया है। मैं गुरमीत से सिर्फ यही पूछ रही थी कि वो सांस तो ले रही है ना। इस दौरान देबीना काफी इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखें भर आई थी। देबीना ने आगे कहा कि जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है, हर दिन नई चुनौती होती है। छोटी की तबीयत अब ठीक है, हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। देबीना ने कहा कि मुझे ऐसा हर मिनट लगता है कि रोना आ रहा है, मेरे लिए ये शायद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कारण हो सकता है। देबीना ने अंत में फैन से मांगा है कि वो उनकी बेटी को जल्द ठीक होने की दुआ करें। देबीना ने ये भी कहा कि वो जल्द ही अपनी दूसरी बेटी का चेहरा भी सभी को दिखाएंगी। मतलब आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर, हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।